Hello, class 4. This is your English reader subject and your lesson number 13. As you can see, this is your English reader book. All of you open your books now. नाउ योर लेसन नंबर इज कैटा caterpillar आपने देखा है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको बहुत सारे कैटापिलर दिख जाएंगे किसी भी गार्डन में घूमते हुए ठीक है? आपकी ओवर इन द गार्डन अंडर tree, आई सॉ some fuzzy caterpillars, वन टू और three. कि हम गार्डन में पेड़ों के नीचे एंड हम बहुत सारे फजी कैटापिलर्स देखते हैं वन भी देख सकते हैं टू और थ्री ठीक है और ये हमारे हमें बहुत सारी क्वांटिटी में हमें ये मिलते हैं ओवर इन द गार्डन एंडन द मून मून के नीचे भी हमें ये नजर आते हैं इमेजिनेशन ईच कैटापिल्स पन हर सेल्फ कोकून और हर जो कैटापिलर होता है वो एक जन्म देता है एक ककून को ओके नाउ ओवर इन द गार्डन राइट बिफोर माई आईज गार्डन में भी कभी या तो आपकी आंखों के आगे पीछे आप कहीं पर भी इसे देख सकते हैं और दो कैटापिलर्स ऑल टर्न इन टू और ये कैटापिलर किसमें टर्न होते हैं लवली बटरफ्लाईज बन जाते हैं ठीक है Now, आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर देखिए ये आपके न्यू वर्ड्स हैं। दीज न्यू वर्ड्स यू हैव टू तो राइट इन योर नोटबुक्स और लर्न करेंगे आप इसे ओके क्लास नाउ दिस इज योर रीडिंग comprehension. यू हैव टू रीड द poem एंड complete द मिसिंग lines. तो so, मैंने आपके यहाँ मिसिंग आंसर्स आपको शो किए हैं यू हैव टू राइट देम And this is your B question answers. Question number one and question number answer number two is also there. And question number C is you have to write the true or false. I have given the answers, you have to complete it.

हम बहुत सारे फजी कैटापिलर्स देखते हैं वन भी देख सकते हैं टू और थ्री ठीक है और ये हमारे हमें बहुत सारी क्वांटिटी में हमें ये मिलते हैं ओवर इन द गार्डन एंडर द मून मून के नीचे भी हमें ये नजर आते हैं इमेजिनेशन ईच कैटापिल स्पन हर सेल्फ अ कोकून और हर जो कैटापिलर होता है वो एक जन्म देता है एक ककून को ओके ओवर इन द गार्डन राइट बिफोर माइ क्वेश्चन नंबर बी इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है इज एम आर के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज करते हैं आप लाइक like फर्स्ट है आपका बेंगल सेलर आपका वन परसन है तो इसके साथ मैंने इज सेलिंग कर दिया तो और थर्ड में देखिए थोड़ा ध्यान से गर्ल्स ज्यादा है तो गर्ल्स ज्यादा है तो मैंने क्या लिख दिया था गर्ल्स आर स्कीपिंग कि वो स्किप कर रही हैं इन द प्ले में तो इसी तरीके से आपके सारे वर्ड्स आप लोग खुद से कोशिश कीजिए और उसके बाद आप करेक्शन यहां से कीजिए मेरे आंसर से